हेलो दोस्तों, मैं भावना गौतम, आपका फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल जी आर क्राफ्ट में। दोस्तों, हमारा फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो सोप डिस्पेंसर आपको सिखा रहे थे उसी का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमने अपना आधा सिखा लिया था। आधे में हमने कागज़ चिपका दिए थे, उसके बाद हमें सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद हमें आज उस पर पेंट करना है, और जो हम अपना डिस्पेंसर सिखा रहे हैं वो इस तरीके का वर्क है जो हम उस पर करेंगे। उस पर मिरर और पर्ल वर्क हम उस पर करेंगे, और बिलीव मी, इस वर्क को करने के बाद एक तो आपका जो सिंपल सा डिस्पेंसर है वो बहुत खूबसूरत लगेगा, और सेकंड आप अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल हटा दीजिएगा कि ये जल्दी ही ख़राब हो जाएगा। नहीं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। और इसके अलावा भी हम बहुत सारे डिस्पेंसर्स हैं जो आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे। तो एक डिस्पेंसर्स बनाए हुए हैं, ये तो मैंने आपको कल भी शो किए थे। ये एक और बनाया था डिस्पेंसर, ये सिंपल सा डिस्पेंसर है, ये अच्छा लग रहा है। ये जनरली मैंने इसको ट्रेडिशनल लुक में दिया था। तो अपना कंटिन्यू करते हैं कल का वीडियो ही। तो दोस्तों, हमने ये वाला है डिस्पेंसर जो हम इस वाले वर्क में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने इस पर रेड कलर इसलिए किया है क्योंकि येलो कलर मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ था, तो मुझे लगा कि सारे एक जैसे कलर के ना हो, जिससे कि आपको सिंपल एक कलर पर ही आप फोकस ना कर पाएँ, अलग अलग कलर पर फोकस कर देंगे। तो आप इस पर कोई भी डार्क कलर ले सकते हो, मैंने रेड कलर लिया है। आप इस पर ब्लू कलर भी ले सकते हो, ब्राउन कलर भी ले सकते हो। आई थिंक डार्क कलर पर आप करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो इस पर सिंपल इस तरीके से मैं डबल कोट कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। ऐसे वो कागज़ है तो कागज़ पर सिंगल कोट भी देखिए, आपको पता भी नहीं चल रहा कि सिंगल कोट में क्या है। थोड़े थोड़े लम्स आ रहे हैं, वो कागज़ की वजह से आ रहे हैं, वो मिरर वर्क में छिप जाएंगे। तो इस तरीके से हमने सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीके से इसको हमने ब्रश कर दिया, कलर कर दिया हम लोगों ने। और कलर इस पर भी कर दीजिएगा जिससे कि थोड़ा लुक आ जाता है। इसमें दो तरह के क्या होते हैं, एक तो इसमें ना ये लाइनिंग वाला होता है जिसमें लाइनिंग वाले पर ये कलर पकड़ लेता है, बट कुछ सिंपल कैप आते हैं वो सिंपल कैप पर वो पकड़ नहीं पाता। तो ये है, और जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पर भी मैंने इसी तरीके से रेड कलर कर दिया है, और इस पर थोड़ा वर्क भी कर दिया है, वो मैं आपको अभी शो करूँगी। पर ये पता है कि कागज़ है, कागज़ के ऊपर मैंने इसको भी रेड कलर कर दिया था। अब हम इसको थोड़ा सा सूखने देते हैं, सूख जाता है तो हम इस पर अपना आर्ट शुरू करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जनरली कोई नहीं सोच सकता कि सोप डिस्पेंसर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने सोप डिस्पेंसर में उसको कन्वर्ट किया ये, बट जो मैं इसमें वर्क आप लोगों के सिखाने के लिए करना चाह रही थी वो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे वो अट्रैक्टिव नहीं लगा। मैं जनरली इस तरीके का वर्क है जो आपको सोच रही थी इस पर, तो पर ये ज़्यादा ट्रेडिशनल लुक में आ गया। तो ये वाला वर्क भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, ये तो जनरली आप कर सकते हैं, तो मुझे लगा कि शायद हटके करती हूँ। तो इस पर मैंने क्ले आर्ट कर दिया, क्ले और डॉट आर्ट दोनों को मिला करके मैंने इसमें ये कलर कर दिया। तो ये कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें सिंपल है कि सिंपल जो क्ले आर्ट है, आज मैं अपनी नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको क्ले बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि जो हमारे आगे जो मोस्टली क्ले से रिलेटेड जो भी हमारे वर्क हैं वो हम बिना रुकावट के उसको कंटिन्यू कर पाएँ। तो ये क्ले है, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, और मैं आपको क्ले भी इस तरीके से सिखाऊंगी जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो ये जो इस पर डॉट आर्ट मैं कैसे करती हूँ कि एक तो क्या हुआ कि हम बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके से हम लोग जो इस पर डॉट आर्ट करते हैं वो टूल्स होते हैं, या फिर वो टूथपिक से या माचिस की सीख से या पेंसिल से, इन चीज़ों से करते हैं। पर मुझे एक आइडिया आया कि जैसे आप सभी लोग जानते होंगे, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं उनको मैं अभी बता देती हूँ कि मार्केट में इस तरीके का नेल आर्ट करके ये इस तरीके का बॉटल आता है, ये 10-15 रुपीज़ का आता है, और इसमें इतना इनफ क्वांटिटी में इसका कलर होता है कि वो काफ़ी आइटम आपके बना देते हैं। तो मैं इसी तरीके का लेकर आई थी, जिससे क्या है कि मुझे इसको यूज़ करने में बहुत आसानी रहती है।
और सिंपल जैसे डॉट है, अलग अलग कलर के आते हैं, सिंपल आप डॉट बना सकते हो। जैसे लाइक मैं यहाँ पर ये मैंने बनाने के बाद थोड़ा सा छोड़ दिया था कि आपको डॉट पेंटिंग तो एटलीस्ट मैं आपको आज बता ही पाऊंगी। तो इसकी इसकी जो बॉटल का जो कैप है, देखिए ये मूव इतने अच्छे से होती है कि आप कोई भी डिजाइन ना बहुत इजीली बना पाते हो। जैसे पेंसिल हम लोग यूज करते हैं उसी तरीके से हम इसको यूज कर पाते हैं, तो इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद आया। और जब से मैंने ये लिया है, अगर ये खत्म भी हो जाता है तो इसमें मैं अपना सिंपल एक्रेलिक कलर डालती हूँ और वो भी इसी तरीके से यूज करता है। बट हाँ, एक्रेलिक कलर में मैं आपको बताना भूल गई, एक्रेलिक कलर में जब मैं इस कंटेनर में जब एक्रेलिक कलर डालती हूँ तो उसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देती हूँ जिससे कि वो स्मूदली मूव कर पाए, और वो रफ एंड टफ यूज करने के लिए भी हो जाता है, वो जल्दी से खराब भी नहीं होता। तो मैंने अभी इसमें ऑयल और क्लैरिक कलर डाला हुआ है, सिंपल ऑयल मैंने इसमें बेबी ऑयल डाला था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इससे। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ और नो डाउट आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको इजी से इजी तरीके से पेंटिंग सिखाना है, जिससे कि बहुत ये नहीं है कि हम सब काम कर रहे हैं प्रोफेशनली तरीके से करें और वो आधे लोग कर ही ना पाए। तो उसमें क्या होता है कि सामान ढूंढने में और कलर्स ढूंढने में या फिर वो बनाने में ही आदमी इतना परेशान हो जाता है कि वो बना नहीं पाता। तो कोशिश हमारी, मेरी खासकर यही रहती है कि इस तरीके से मैं इसमें आर्ट कर रही हूँ। ये देखिए विद इन आ आई थिंक 2 मिनट्स भी नहीं हुआ है और काफ़ी मतलब जल्दी भी बना है और सफाई से भी बन रहा है ना। तो ये मैंने ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पर सोप डिस्पेंसर बनाया था। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लग रहा है, मैं इसकी पिक्चर भी जीआर क्राफ्ट में डालूंगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम बाकी अपना जो हमारा ये सोप डिस्पेंसर है इसमें कलर काफ़ी हद तक सूख चुका है तो हम इसको शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे सिंपल इसमें इसी फेविकोल से मैं मिरर वर्क है जो मैं सीक्वेंस तरीके से इस पर लगाऊंगी, और सीक्वेंसली लगाएंगे, आप खड़े में भी लगा सकते हो, स्टैंडिंग में या फिर स्लीपिंग तरीके से आप लगा सकते हो। तो ये सबसे पहले मैंने डॉट्स लगा लिए हैं फेविकॉल के, और ये मिरर है, ये मिरर में सिंपली तौर पर सिर्फ एक बार थोड़ा सा प्रेस करना होगा इसको जिससे कि ये मूव ना करें, और मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी जल्दी बनेगा और कितना ब्यूटीफुल बनेगा कि आपको खुद को बनाने के बाद अच्छा लगेगा कि वाह आपके अंदर भी क्रिएटिविटी है और आप कितना अच्छा अपने घर को छोटी छोटी चीज़ों से सुंदर लुक दे सकते हो। और एक खुद के हाथ से बनाई हुई चीज़ें दोस्तों वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, खुश होता है मन जब हम उसको यूज़ करते हैं, या फिर कोई आता है और बोलता है कि अच्छा ये आपने बनाया है, तो रियली वो खुशी एक अलग होती है। और ऐसा नहीं है इसके लिए कोई एज होती है, ये हर एज में, ये देखिए इस तरीके से हम सिक्वेंसली इस पर चिपकाएंगे। इजी है ना, इजी भी है जल्दी भी होगा। इसमें हम ग्लू गन, हाँ हम इसमें ग्लू गन भी यूज कर सकते हैं, बट जब आपका काम फेविकोल से हो रहा है तो आप ग्लू गन क्यों लेते हैं। ग्लू गन हमेशा वहां पर यूज करनी चाहिए जहां पर आपको बहुत हार्ड चीज आपको चिपकानी हो, जो जनरली फेविकोल से चिपकने में टाइम लगाएगा, ये आप सिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसको पूरा कवर कर लेंगे, और मैं आपको इसके बीच में पर्ल भी बता देती हूँ कि पर्ल किस तरीके से मैंने इसको लगाए हैं। बिकॉज ऑफ आप जितना किसी भी काम को देखिए, इसलिए मैंने सिंपल बीच बीच में फेविकोल लगा दिया, और मैं अब इस पर पर्ल लगा रही हूँ, मैं आपको शो भी करती रहूंगी। थोड़ा फर्स्ट टाइम है दोस्तों वीडियो, तो मुझे थोड़ा सा अभी कैमरे को रखने में थोड़ा सा मुझे इशू है, पर
थोड़े इसी देर में मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से इसको कर सकूँ और आप इजीली इसको सीख पाओ, आपको अच्छे से दिख पाए। अभी क्या है कि मुझे थोड़ा सा अपना जुगाड़ लगाना पड़ रहा है, तो इस तरीके से हम मोती चिपकाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया था मैं कंप्लीट करके रखूंगी, तो मैंने इसी डिज़ाइन में इसको कंप्लीट किया। ये वही है और इस पर एक ये ढक्कन का बात मैं आपको बता रही थी अपने से पहले कि इस बॉटल के ढक्कन में और इस बॉटल के ढक्कन में ये अंतर है कि इसका जो है वो बहुत ही स्मूथ है, ढक्कन स्मूथ है, तो इस पर कलर ये नहीं टिकेगा। ब्लैक है, ब्लैक भी इसके साथ सूट कर रहा है, तो मैंने इसी वजह से इसको ऐसे ही रखा। और इस पर आप इस तरीके से या फिर ये जो खड़े स्टाइल में किसी भी तरीके से अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप इसमें मिरर लगा सकते हो। तो मेरा ये कंप्लीट है, आई थिंक ये बहुत सुंदर लग रहा है और आप लोग बनाएंगे तो आपको भी ये सुंदर लगेगा। तो प्लीज़ आप इसको बनाइए और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कैसा लगा, और जो मेरा बॉटल पर मैंने सोप डिस्पेंसर बनाया है वो भी बताइए, और आप बताएंगे मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोगों के साथ मैं जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर कर सकूँ, अपनी क्रिएटिविटी आप लोगों के सामने ला सकूँ और आप उसको बनाएं और मुझे उसकी पिक्चर शेयर करें। आप जितना ज़्यादा मुझे मेरे क्राफ्ट को पसंद करेंगे उतना ज़्यादा मुझे बहुत खुशी होगी, जिससे कि मुझे लगेगा कि हाँ मेरा क्राफ्ट है जो लोग पसंद कर रहे हैं और अपने घर में उस चीज़ को लगा रहे हैं। सो प्लीज़ 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 गाइज़ आप इसको पसंद कीजिए, और आप अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है अच्छा या बुरा जैसा भी है कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिससे मुझे आगे इसको इम्प्रूव करने में आसानी हो और मैं इजीली इसको इम्प्रूवमेंट करके आपको सिखा पाऊँ। तो ये सोप डिस्पेंसर्स हैं जो मैंने आपको एक आर्ट सिखाया है और इसी तरीके का ये बनाया है। ये मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पर बनाया था ये क्ले आर्ट करके, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको क्ले आर्ट ही आपको सिखाऊंगी, जिससे कि हम आगे जो भी वीडियो बना रहे हैं उसमें आगे हमें कोई रुकावट ना हो। बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के प्यार के साथ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और प्लीज़ मेरी उम्मीद को खारिज मत होने दीजिएगा। सो लव यू, बाय।